बच्चलन बेशरम आदमी नंगे आदमी। रेंडिंग बोला ने ऑफिस से रिप्लाई किया एलवी शादो को। पूरे मैटर के एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दरअसल कैसे आप लोगों को पता हो कि एलवी शादो एंड रेंडिंग गोला का एक्चुअली बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि इसमें रेंडिंग गोला ने एलवी शादो को भाई बहुत गंदा रोस्ट कर दिया था। उसके बाद एलवी शादो ने रेंडिंग गोला को रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये लिखा कि मेल कैटेगरी में इसको मेडल दो। उसी के रिप्लाई में रेंडिंग गोला ने एलवी शादो को मतलब सॉलिड से रिप्लाई किया। Elvis, you could come in the male category too, but you will have to grow a pair of balls for that. And assuming you didn't even answer a single question I put out to you, I don't think you have them. Oh, sorry. इसको समझ कहाँ आ रहा होगा? Elvis, मेरे सवालों का जवाब कहाँ है? आज तो फुल अयासी करिए कटारे रशियन के चिपट रहा हूँ। अजी हाँ, मैं मेरी गल चलते मेरी गल चलते। रबे शरम बे आया बदतमीज बे गैरत बच्चलन बे शरम आदमी नंगे आदमी जिस नैनी उन्नी बेरा की अपनी माँ गेला क्यों करवात करनी है वो दूसरों में बात मारेगा। खरे तू है के तेरा सौदा के है इतनी औकात होगी तेरी। और एक ही एल्विस आर्मी, इन लोगों का लंच ब्रेक नहीं होता, इनकी रिसेस होती है। देसी जगी ते ट्रैप जिबीट है सिर कट गज दे स्पीकर जवाज दे क्लाउन मुंडे। एल्विस तेरे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई है ही ना, कोई ना एल्विस जैसा इस पूरी दुनिया में एल्विस जैसा बेशरम कोई है ही ना। बताओ ध्रुव भाई के कॉल आउट करे पाछे भी इतनी अकल ना पड़ी है। अरे अपनी इज्जत तो तूने बेच के मूंगफली खा ली, कम से कम अपने माँ बाप की तो सोच लेता। राव साहब के गाने बनाते नहीं माँ बाप की इज्जत हो वे अजीब हम बात करने का सूर ना हो। छोरी ने छोरा कह के घनी कॉमेडी कर दी भाई ने। एल्विस यूज्ड हिज लास्ट टू ब्रेन सेल्स इन ऑर्डर टू कम अप विद दैट रिप्लाई। ओ गाइस, इसके सांपों का जहर बंद करवाओ, इसके नशे हो रहे भयंकर।